हेलो बच्चों, आज हम सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री बेस एंड सार के बारे में बात करेंगे। कल आपका सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस आया, उस रिवाइज सिलेबस में आपका साइंस का 30% सिलेबस आपका हो गया, कम हो गया। तो पहले आपको सिर्फ 70% आपको पढ़ने, मतलब आपका 30% सिलेबस आपका कम हो गया है। कुछ हमारे केमिस्ट्री से हटे हैं, कुछ बायोलॉजी से हटे हैं, कुछ आपके फिजिक्स से हटे हैं। तो अगर आपको पहले 100 से सीधे आपको 70% पढ़ने हैं, तो हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा आपका कम हो गया है। आज आपको रिवाइज सिलेबस हम सेंड कर देंगे, रिवाइज सिलेबस को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई करिएगा। आप NCERT फॉलो मत करिएगा, जिनके पास पुरानी NCERT है, एक बार सिलेबस को प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। जो चीज़ सिलेबस में दिया गया है बस वही पढ़िएगा, फालतू चीज़ें मत पढ़िएगा। जब आपका न्यू NCERT आएगा तो आप मार्केट में जाकर उसको ले लीजिएगा, उसको आने में टाइम लगेगा। तो हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो आपके सेकंड चैप्टर में चार मेन हैं जो आपको बताने हैं। अभी मैंने सिलेबस देखा, पहले हम जो चीज़ें सिलेबस के बारे में पास उसके बात कर लेते हैं। तो आपको आज हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है, वाशिंग सोडा ऑब्लिक बेकिंग सोडा। थर्ड हम बात करेंगे POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, और फोर्थ हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम बात करेंगे PH के बारे में। तो यहाँ तक आपको नहीं पढ़ाया गया है, ये चार टॉपिक और PH नहीं बताया गया, और एसिड बेस आपका कुछ बच्चों ने बताया सर एसिड और बेस कंप्लीट हो चुका है, तो एसिड बेस सर मत पढ़ाइए। तो एसिड बेस में अगर आपका डाउट है, जो भी हो, आप उनसे पूछिए। अगर आपका एसिड बेस कंप्लीट हो चुका है तो एक फोर टॉपिक आपके अभी बचे हुए हैं, इन चार टॉपिक पर हम बात करेंगे। अगर आपका एसिड बेस जो चीज़ अगर छोड़ गया है या जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो आप उनको बोलिए, हम लेक्चर उस पर पढ़ा देंगे। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि सर एसिड बेस रहने दीजिए, एसिड बेस हमें पढ़ा दिया गया है, तो उसके बाद हम कंटिन्यू बात करते हैं। एसिड बेस के साथ साथ आपके सिलेबस में रिवाइज सिलेबस में ब्लीचिंग पाउडर दिया गया है, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और PH। ये पांच टॉपिक आपको अभी एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। इसके बाद फिर आपको CBSE के फॉर्म करा देंगे, इसका फिर आपका थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, फिर वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। इसके बाद हम फिर बात करेंगे PH के बारे में। तो पहले ही डालिए ब्लीचिंग पाउडर, मल्टीमीटर इसको आप ही डालिए। ब्लीचिंग पाउडर, बेटा ब्लीचिंग पाउडर में अगर हम बात करें तो केमिकल नेम क्या है इसका, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है CaOCl2। फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। अगर आपसे पूछा है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। अब तीसरा अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है,
अगर हम बात करें प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन में क्या होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस का रिएक्शन किसके साथ करा दे, क्लोरीन गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन किसके साथ बेटा करा दे, क्लोरीन गैस के साथ। और इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम है, स्लैग लाइम, या इसे क्या बोलते हैं, लाइम वाटर का रिएक्शन जब कराते हैं क्या बनता है, CaOCl2 और साथ में क्या H2O, इसे क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। फिर सुनना बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर में केमिकल नेम पूछा जा सकता है, केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। सेकंड फार्मूला पूछा जा सकता है, फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। तीसरा आपसे पूछा प्रिपरेशन बनता कैसे है, तो जब स्लैग लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं क्या बनता है, CaOCl2, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर और H2O। इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हो गया, हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर करिए बेटा, आगे चलते हैं। कलर एंड स्टेटमेंट करिए, इट इज ए एमोल्स वाइट पाउडर। अगर बात करें बेटा कलर स्टेट की बात करें, कैसा कलर होता है, एलोविस स्टेट वाइट पाउडर। तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। अगला हम डालें एक्शन ऑफ एयर, एक्शन ऑफ एयर। एयर मीन्स क्या होगा, ऑक्सीजन। तो ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन ऑक्सीजन के सॉरी एयर में आपका ऑक्सीजन भी हो सकता है, CO2 गैस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं CO2 गैस के बारे में। तो बात करें जब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कराएं, CO2 गैस। CO2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा क्या बनता है, CaCO3 प्लस क्या बनेगा, CO2। अब सुनो बेटा एक्शन ऑफ एयर, मतलब जब ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और CO2। होता क्या, ध्यान सुनिएगा, इसको दोष में CaO और CL2 जो उसमें टोट लीजिए, CaO और CL2 प्लस CO2। सुनना बेटा, फिर सुनना, CaOCl2 प्लस CO2 क्या बनना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और Cl2, और यहाँ पे क्या है, CO2। तो क्या बने, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिल क्या बना लेता है, CaCO3। कैल्शियम एक
कार्बन है, कार्बन कितने हो गए तीन, क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, और सीएल टू हमारा गैस है, और गैस क्या होता है आपका बाहर निकल जाएगा। तो फिर सुनो बेटा, जब ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और सीएल टू, तो ब्लीचिंग पाउडर को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, सी ए ओ इसे कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा क्या सी एल टू, एक कैल्शियम ऑक्साइड सी ओ टू के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट और सी एल टू गैस आउट क्या होता है बेटा बाहर निकल जाता है। इसको नोट करिए, याद में बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर का सी ओ टू के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में कौन सी गैस निकलती है सी एल टू गैस। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो क्या इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में क्या होता है हमारा सॉल्युबल होता है। ओके बेटा आगे चलते हैं, अगली हेडिंग डालिए एक्शन ऑफ एसिड, या ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं क्या होता है। एक्शन ऑफ एसिड तो होता है, नोट करिए इट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नोट करिए इट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिबरेटिंग क्लोरीन गैस, क्या लिबरेट करता है बेटा क्लोरीन गैस। अगर हम बात करें कह रहा है कि जब ब्लीचिंग पाउडर सी ए ओ सी एल टू, जब ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन यहाँ जब ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन किसके साथ करा दें एच सी एल के साथ, या फिर ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन किसके साथ करा दें एच सी एल के साथ, तो सबसे पहले क्या होगा ध्यान सुनिएगा क्या हमारा लिबरेट होगा क्लोरीन गैस। होता क्या है ध्यान सुनिएगा, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे सी एल टू गैस, बात समझ आ रही है, प्लस क्या बनेगा सी ए, दो सी एल में क्या बना लेगा सी सी ए सी एल टू, और क्या बन बच जाएगा एच टू ओ, साथ में क्या निकलेगा एच टू ओ। नोट के बेटा भी समझा रहे हैं। सेकेंड अगर हम बात करें सी ओ ओ सी एल टू प्लस एच टू एस ओ फोर, एच टू एस ओ फोर, तो क्या बनेगा पहले आप सी एल टू ग्रेड क्या लिबरेट करेंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट प्लस एच टू ओ। अब समझ से क्या बोलेंगे सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे क्या बोलेंगे हाइड्रो क्लोरिक एसिड। अभी का बच्चों की सुनना, जब ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन किसके साथ कराते हैं एच सी एल के साथ, तो यहाँ से सी एल टू गैस निकल जाएगा, क्या बचेगा सी ए ओ और टू एच सी एल, क्या बनेगा सी ए सी एल टू कैल्शियम क्लोराइड। याद नहीं होगा जब ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन एस सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो सी एल टू गैस यहाँ से आपको लिबरेट हो जाएगा, तो क्या बनेगा सी ए सी एल टू और दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा एच टू ओ। इस तरह यहाँ पर चेक करिए जब ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएं क्लोरीन गैस आपका निकल गया, और कैल्शियम सल्फेट के साथ में क्या बना लेगा कैल्शियम सल्फेट और एच टू और ऑक्सीजन में क्या बना लेगा एच टू ओ बना लेगा। तो एक्शन ऑफ एयर आप क्लियर हो गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। सी ओ टू के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस क्लोरीन गैस, अगर ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन का आप एसिड के साथ कराते हैं किसके साथ कराते एसिड के साथ कराते हैं कौन सी गैस निकलती है क्लोरीन, अगर एस सी एल के साथ कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराते हैं कैल्शियम सल्फेट बनता है।
बेटा इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए, बात करने जा रहे हैं यूजेस के बारे में। तो पहला कहाँ पे इसका यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने में। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl। अगर आपसे पूछा जाए यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, आप बता देंगे कहाँ पे इसका यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म के बनाने में। तो पहला क्या है कि क्लोरोफॉर्म बनाने में, दूसरा हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज करता है, और तीसरा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। खास इसको समझें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे क्या करें, ऑक्सीडाइज करें और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस है। अगर आपसे पूछा जाए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, आप आंसर क्या करेंगे, क्या देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद क्या होता है हमारा, रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हम बात करें इसके रिएक्शन की, तो जब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, H2SO4। यहाँ सुन रहा क्या बनेगा, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट प्लस, यहाँ पर 2 मोल आपने लिया है, प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या बनता है, 2HClO। अब 2HClO क्या बना देता है, HCl+, इसे क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। और यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे रिएक्शन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। पास में आ रही, तो ये हुआ ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी यूजेस क्या है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम क्या है, इस केमिकल नेम क्या है, फार्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गए, जिस तरह आपका ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीट होता है। जिसको आप प्रॉपर तरीके से नोट करिए, फिर हम सेकेंड बात करें वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा के बारे में, नोट करिए।